हम लोग अपने पावर बीआई के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग धीरे धीरे सारे फंक्शंस, डैक्स क्वेरीज वगैरह सब कुछ पढ़ रहे हैं, और हम लोगों ने डैशबोर्ड्स बनाना भी सीखा। अब आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले डैक्स क्वेरी में हम लोग सीखने वाले इफ एल्स, ओके, यूज ऑफ इफ फंक्शन हम सीखने वाले हैं। और इफ का यूज बहुत ज्यादा होगा जब हमें कोई कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट करना हो, या फिर इवन मेजर भी बनाना हो जहाँ पे हम कोई कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे सीखा भी था, कैलकुलेट फंक्शन सीखा था, बट ये इफ आज हम अलग से एक ऐसा चैप्टर सीखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास पहले से कोई डेटा सेट है जो हमने ऑलरेडी लोड कर रखा है, और यहाँ पे मैं इस डेटा सेट को रीनेम कर लेता हूँ एज सेल्स नाम से या ऑर्डर्स नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। तो ये हमारा डेटा सेट का नाम है ऑर्डर्स, और इस ऑर्डर्स डेटा सेट में जैसा हमें पता है, हमारे हर रो में एक ऑर्डर की डिटेल है और हर रो में एक सेल्स का अमाउंट है, विच यू कैन सी है। अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन लगाना चाहते हैं जिस कंडीशन के थ्रू हम ये बताना चाहते हैं कि सेल्स अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम है तो हम कह दें कि ये सेल्स लो है, और अगर किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा है तो हम कह दें सेल्स हाई। अगर आप केपीआईज जानते हैं, इफ़ यू नो केपीआईज, तो केपीआईज में भी यही होता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, कि किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में या किसी पर्टिकुलर केस में आपकी केपीआई मीट हुई या नहीं हुई वो एक कंडीशन के बेसिस पे ही अप्लाई किया जाता है। हम लोग यहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हैं, और अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो विजुअल में आ जाते हैं, और यहाँ से क्विक मेजर, या क्योंकि हमें एक नया कॉलम बनाना है, हम यहाँ से न्यू कॉलम बना लेंगे, और इस कॉलम का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे सेल्स स्टेटस या व्हाटएवर, जो भी आपको नाम रखना है। तो जैसे हमने इसका नाम सपोज कीजिए सेल्स ग्रुप रख लिया, या तो मैं इस क्वेरी को कॉपी कर लेता हूँ, तो हम इसका नाम रख लेते हैं सेल्स ग्रुप। ये हमारे नए कॉलम का नाम हो जाएगा जो हमारे डेटा में टेबल में दिखाई देगा। और सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ फंक्शन का इस्तेमाल किया है, तो इसको फिर से भी लिख के दिखाते हैं। तो ये फंक्शन है इफ। इफ फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि तीन पैरामीटर्स यहाँ पे हम दे सकते हैं। पहला लॉजिकल टेस्ट है, यानी यहाँ पे हमें अपनी कंडीशन को लिखना है। दूसरा हमारा रिजल्ट इफ ट्रू है। रिजल्ट इफ ट्रू का मतलब है, एक सेकेंड रुकिए। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद पहले ही हमारी लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट एक कंपैरिजन ऑपरेशन होता है जहाँ पे हम कंपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर केस को। तो यहाँ पे जो कंपेयर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हमें जानना है कि ये जो सेल्स है, ये जो कॉलम है जिसमें सेल्स का अमाउंट आ रहा है हर रो में, तो इफ सेल्स इज ग्रेटर देन, लेट्स से हमने कहा कि अगर हमने कहा कि सेल्स की वैल्यू 100 से कम है, 100 से, अगर सेल्स 100 से ज़्यादा है या सेल्स 100 से कम है, जो भी हम अपनी सिचुएशन रखनी है, तो
अगर सेल्स की वैल्यू 100 से कम है तो फिर रिजल्ट रिजल्ट इफ ट्रू, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट इफ ट्रू नीले रंग से लिखा गया है और रिजल्ट इफ फॉल्स ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में है। इसका मतलब आप समझते हैं? देखो कहीं पे भी जहां पे हिंट दिया जाता है, ओके, यहाँ पे एज अ हिंट दिया गया है, तो अगर कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर ऐसे ब्रैकेट में लगा हुआ है, ओके, तो इसका मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है, याद रहेगा। तो रिजल्ट इफ फॉल्स ऑप्शनल है, बट रिजल्ट इफ ट्रू ये मैंडेटरी है। ये चीज आप समझ पा रहे कि नहीं? तो यस सर, यहाँ पे हर रो के ऊपर एक लूप चलेगा, तो उस लूप में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का आउटपुट अगर ट्रू आया, ओके, तो फिर हम कह देंगे कि ये सेल्स लो सेल्स है। ऐसा अभी मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, ओके, क्योंकि इस फंक्शन को दो ही पैरामीटर्स, दो मैंडेटरी चीजें चाहिए थी, वो हमने दे दी और अप्लाई कर दिया। और आप देखेंगे इस तरीके से सेल्स ग्रुप नाम का एक कॉलम यहाँ पे जुड़ गया है। और आप जब इसको टेबल व्यू में देखेंगे तो ये देखिए सेल्स ग्रुप लो और यहाँ पे ब्लैंक, लो ब्लैंक, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सर हमने इसमें पॉज की कंडीशन नहीं दी है। फॉल्स का नहीं दिया था तो फंक्शन के लिए, क्योंकि फॉल्स मैंडेटरी नहीं था इसलिए हमने नहीं दिया था। और अब हम क्या कर रहे, अगला पैरामीटर लाइक इफ फॉल्स पे हम कह देंगे आई, इज इट क्लियर? सर और अब जो है हमने ऐसा करा, तो इस तरीके से एक न्यूमेरिकल कॉलम, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू थी, एक कंटिन्यूअस वैल्यू थी, उसको हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। और अब आप लो और हाई देख सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होता है? इसे बेनिफिट ये होता है कि इस कंडीशन के आधार पे अब हम लोग एक्चुअली में पता क्या देख सकते हैं। जैसे हम सेल्स ग्रुप को चुन लें, अब यहाँ देखो हाई और लो लिख के आ गया, और ऑर्डर आईडी को चुन लें, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाने लगे कौन से ऑर्डर आईडी के लिए, ऐसा है। दूसरा इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाते हैं, और पाई चार्ट को चाहिए होता है कैटेगोरिकल कॉलम, जबकि हमारा सेल्स जो था वो एक न्यूमेरिकल कॉलम था। पर अब की बार हम लेजेंड में सेल्स ग्रुप को ले आते हैं और वैल्यूज में हम काउंट ऑफ कस्टमर आईडी ले आते हैं, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी ले आते हैं, ठीक है। और इससे देखिए क्या आउटपुट निकलता है, कि इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा केपीआई है, इसको आप एज केपीआई भी बोल सकते हैं, राइट, कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में हमारा लो रहा और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स में हमारा हाई रहा। तो आउट टोटल 6,000 से ऊपर ऑर्डर, 62% ऑर्डर्स में हमारा सेल्स लो रहा इस पैरामीटर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इज इट क्लियर टू यू? यस ये इफ है। नाउ सपोज करिए कोई आपसे कहता है कि भैया यहाँ पे तो आपने दो ही कंडीशन बताई है, पर एक्चुअली में तो कंडीशन कई हो सकती है ना। जैसे ऐसा हो कि लो हाई वेरी हाई, ठीक है, ये भी तो हो सकता है, या वेरी लो लो। तो ऐसे करके बहुत बार जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करते समय, जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपकी आपकी इनकम कैसी है, आपसे पूछते हैं, तो इनकम के तो कई स्लैब होते हैं, राइट। इवन आप टैक्स भरते हैं तो टैक्स में भी कई स्लैब है, और स्लैब के अकॉर्डिंग
आप किस स्लैब में आ रहे उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेशन होता है। सो ऐसा यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने एक और नेस्टेड इफ लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखा हुआ है, ये यही समझ में आ जाएगा। इफ यहाँ से देखो, ये इफ शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ। ओके, इफ को क्या चाहिए होता है? पहला पैरामीटर होता है जो हमने लिख दिया, और दूसरा क्या होता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो क्या हुआ, और जो तीसरा पैरामीटर था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो तीसरी वैल्यू थी, यानी रिजल्ट इफ फॉल्स वाली, वहां पे हमने एक और इफ फंक्शन लगा दिया। आप समझ रहे हैं? यहां पे हमने एक और इफ फंक्शन लगा दिया, और इसमें हमने कह दिया, जैसे हम कहें कि अगर उसकी वैल्यू 100 से ज्यादा है, लाइक सेल्स की वैल्यू 100 से कम है, तब तो हमने लिख दिया कि भैया ठीक है, 100 से कम आपने लिखी तो ये लो हो गई। फिर एक और इफ लगा दिया कि ऑर्डर सेल्स की वैल्यू अगर लेस देन है 500, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप यहाँ कंडीशन लिखना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया ऑर्डर सेल्स 1500 से कम है अगर, तो एक बार लिखा 500 है तो लो, फिर 1500 है तो मीडियम, अदरवाइज हाई। इसका मतलब ये हम कह रहे हैं, तो हम यहाँ पे 100 500 लिख लिया हमने कि 100 है तो लो, 500 है, अगर 500 से कम है तो हमने कह दिया मीडियम, और एल्स हमने कह दिया हाई। ये आपकी समझ में आया? यस सर, यस सर। तो इसमें जो फॉल्स वाली सिचुएशन थी वहां फिर हमने इफ लगा दिया। एंड नाउ यू अंडरस्टैंड इस तरीके से हम कितना भी अंदर तक जा सकते हैं, राइट? ऑल्दो इस सेम काम को करने के और भी कई तरीके हैं पावर बीआई में, बट ये क्योंकि हम हमें हर चीज पढ़नी है, हर चीज को समझना है। और अब देखिए क्या हुआ, सेम ग्राफ में ही आपको देखिए क्या हो गया। और जब आप कॉलम देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर 100 से कम है तो लो है, 100 से 500 के बीच में है तो मीडियम है, और नहीं है तो हाई है। ओके, अब इसको हम और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सो अभी देखिए ये आईपीएल का डेटा है। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये एक रो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक रो रिप्रेजेंट कर रही है एक पर्टिकुलर बॉल को, क्या आप समझ पा रहे? यस सर। यानी उस बॉल पे ओवर नंबर कौन सा था, बॉल कौन सी थी, बैट्समैन पहला कौन सा था, ना स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, ये पहली बॉल है जो 2008 को फेंकी गई। ओके, पहले मैच की, देखो मैच की आईडी भी दी है, पहले मैच के पहले इनिंग की पहली बॉल पे रविंद्र कुमार ने बॉलिंग की, लेग बाई के रन गए 1, ठीक है, और ऐसे करके यहाँ पे पूरा है, और यहाँ पे बैट्समैन रन गए, राइट, ये है बैट्समैन के रन। अब आप देख रहे हैं कहीं कहीं 4 भी है बैट्समैन के रन, दिख रहे हैं, यस सर। कहीं कहीं 6 भी है, आप समझ रहे हैं? यस सर। सो अब अगर कोई आपसे कह दे इसी डेटा में कि नंबर ऑफ फोर्स विराट कोहली ने कितने मारे, ये निकालो, आप समझ रहे? तो वी विल लोड दिस डेटा फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये डेटा पुराना है, बट अगेन द कंसेप्ट विल नॉट बी चेंज, राइट? तो मैं इसी फंक्शन जो हम लोग अभी इफ पढ़ रहे हैं इसको ही यूज करके एक ट्रिक बताता हूँ, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ ये फंक्शन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज है, मगर उन न्यूमेरिकल वैल्यूज में से हमें काउंट करना है कुछ, ठीक है। और तो ये इसको निकालने के कई तरीके हैं पावर बीआई के अंदर। मगर हम लोग एक ऐसे रीड करते हैं। सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने डेटा को रीड कर लेते हैं यहाँ। तो ये हमारा डेटा लोड हो गया और इसको हमने यहाँ पे डेटा को रीड कर लिया है। अभी काफी बड़ा डेटा है तो ये धीरे धीरे अभी अप्लाई होएगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने सारे मैचेस में कितने नंबर ऑफ डिलीवरीज पिक की जाएगी। अभी इसमें 1000 रोज लोड हुई है। लेट्स से कि चलिए अज्यूम करते हैं कि ये पूरा डेटा है। जब आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा, सेम कंडीशन वहां पे भी अप्लाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना क्या है, एक यहाँ से न्यू कॉलम बनाना, ठीक है। न्यू कॉलम बनाना है और याद रखिए कॉलम का नाम कैसा रखना है हमको, एक तरीके का सवाल। जैसे हमने कहा इज फोर, गेट में पॉइंट कि क्या इस बॉल पे चौवा पड़ा, आप समझ रहे हो, इज फोर, ओके। तो हम लिखेंगे इफ, अब हमारे डेटा सेट का क्या नाम है, डिलीवरी, राइट। और चौवा किसमें पता लगने वाला है, तो बैट्समैन ने चार मारा कि नहीं, क्योंकि लेग बाई का चार भी हो सकता है, राइट। सो बैट्समैन इज इक्वल टू फोर, इसका मतलब समझ गए, यानी कि अगर बैट्समैन ने चार मारा है तो कह दो वन, और वरना कह दो जीरो, ये समझे आप। अगर बैट्समैन ने चार मारा तो वन, वरना जीरो, ओके। और ऐसे अप्लाई कर देते हैं। सबसे सिंपल तरीका है किसी, क्योंकि हमारे पास तो रन तो कुछ भी हो सकते हैं ना, चार छः तीन दो एक जीरो, नहीं, उसमें से सिर्फ हमें एक चीज काउंट करनी थी, फोर। अब देखिए क्या होगा, जब आप टेबल व्यू में जाएंगे देखिए इस 4000 ऐसे आ गया, कहीं कहीं पे वन होगा। हम लोग एक बार क्या करते हैं, इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इस बॉल पे चार पड़ा होगा तो ये अभी क्या है, यहाँ पे बैट्समैन कौन है, बाउचर, जयसूर्या, वार्ने, जो भी है, क्योंकि ये डेटा पूरा नहीं है, पूरे आईपीएल का नहीं है, बट मैं वो भी दे दूंगा आपको और मैंने पहले उसको भी दिया है, तो आप वहां पे अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम समझते हैं कि मान लो हमें निकालना है एमवी या जयसूर्या ने कितना किया, तो ये लिखा हुआ है एसटी जयसूर्या, ठीक है। अब हम अपने विजुअल पे आ जाते हैं और हमें निकालना है कि एसटी जयसूर्या ने, सनत जयसूर्या ने कितने फोर्स हिट किए। तो सबसे पहले हम दो चीजें सेलेक्ट करने वाले, एक बैट्समैन और एक इस फोर, ये क्लियर है। आप देखो यहां अपने आप सम ऑफ इस फोर आ गया। सम ऑफ इस फोर का क्या मतलब है, अगर भाई आप कितने भी वन और जीरो को सम कर देंगे तो जितने वन होंगे, राइट, उतने ही तो फोर आपने मारे। अब जैसे यहाँ पे जयसूर्या के पांच फोर्स हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग, पांच कैसे आ रहे हैं, क्योंकि जयसूर्या का नाम यहाँ पे पांच बार ही आया हुआ, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, उसके बाद नहीं आया है। डू यू गेट माई पॉइंट और नॉट,
यस सर। तो किसी के भी कितने वंस हैं उसका सम कर दो, ऑटोमेटिकली वो काउंट बन जाता है ना, बताओ। यस ये चीज समझ पा रहे हो? यस सर। इसलिए यहाँ पे जो एग्रीगेट मेजर है वो सम है। एक तरीका है, ये भी एक तरीका है करने का। अब इस तरीके से आप नंबर ऑफ सिक्सेस, राइट, नंबर ऑफ फोर्स, किसी बॉलर के नंबर ऑफ विकेट्स और बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने टाइटैनिक डेटा को रीड किया था, टाइटैनिक डेटा में मेल और फीमेल दिया हुआ है। सपोज कीजिए आपको एक कॉलम बनाना है कि क्या वो फीमेल है या नहीं, ऐसा एक कॉलम बनाना है इस फीमेल, तो वहां पे भी आप ऐसा अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये सिचुएशन आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो और ये इफ का है। और यहाँ पे आप और भी चीजें लगा सकते हो, अगर चार है तो वन, इफ ये है तो समथिंग एल्स, टू समथिंग एल्स, बट इस तरीके से आप एक ग्रुप में से वैल्यू निकाल सकते हो। ये हमारा होता है इफ एल्स, ओके।